अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन हाउस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पेज बॉर्डर्स कैसे ऐड करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पेज के कलर हम कैसे चेंज करें। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल बाय क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशंस। सो लेट्स गो टूवर्ड्स अवर लेक्चर। पेज बॉर्डर्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, देन पेज बॉर्डर्स वाले टैब में। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी सेटिंग्स जो है पेज बॉर्डर्स के लिए दी हुई है कि हम प्लेन पेज रखना चाहते हैं या फिर हम बॉक्स की शेप में हम जो है वो पेज के बॉर्डर्स देना चाहते हैं। और यहाँ पर शेडो का ऑप्शन दिया होता है, 3D फॉर्मेट जो है वो ऑप्शन दिया होता है, और उसके अलावा जो है कस्टम पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक साइड पर एक पेज बॉर्डर्स रखते हैं एक किस्म का या फिर अदर डिज़ाइन का, और दूसरी साइड पर हम रखना चाहते हैं या फिर पेज के ऊपर वाली जो साइड है हम उस पर एक डिफरेंट जो है पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं और नीचे वाली साइड पर हम डिफरेंट पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कस्टम को चूज़ करेंगे। तो अभी हम जो है बॉक्स को चूज़ कर देते हैं ताकि हम जो है होल डॉक्यूमेंट जो है, होल जो पेज है उस पर हम पूरा जो है अपना फ्रेम लगा सकें। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल स्टाइल करके दिखाता हूं कि आप एक सिंपल जो है पेज बॉर्डर कैसे आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद है कि कलर जो है वो ऑटोमेटिक जो है एक तो ब्लैक पे रखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा आपको कलर जो है खुद चूज़ करना पड़ता है। मैं पेज बॉर्डर का कलर फॉर एग्ज़ाम्पल नेवी ब्लू रखता हूँ, या फिर आप इसको डार्क ब्लू कह सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो मैं 3 PT से बढ़ाकर 4 पर रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अप्लाई आप किस पर, इस डॉक्यूमेंट पर या फिर होल डॉक्यूमेंट पे आप करना चाहते हैं, जो भी आपके जितने भी पेजेस हैं उन डॉक्यूमेंट पर। तो मैं अभी आपको डिफरेंट पेज बॉर्डर्स लगाना सिखा रहा हूँ, तो मैं ओनली दिस सेक्शन करूँगा, दिस सेक्शन ओनली, और फिर मैं ओके कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ये सही तरह से नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट जो है हमारे डॉक्यूमेंट पर ऊपर जो है एक पेज बॉर्डर लग गया है। अब मैं दूसरा न्यू पेज ऐड करता हूँ। इसमें न्यू पेज ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद ब्लैंक पेज पर क्लिक करना होगा। देन क्या है कि इस पेज पर भी क्या है कि हमारा सेम ही बॉर्डर आ चुका है। इसके लिए पेज लेआउट में हम जाएंगे और आपको जो फर्दर जो सेक्शंस है वो आपको ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर सेक्शन ब्रेक का एक हमें ऑप्शन मिलता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज को क्लिक करूँगा। तो ये जो है हमारा सेक्शन ब्रेक हो गया है। मैं पेज बॉर्डर्स पर जाऊँगा। अब इसके अलावा जो है सिंपल एक तो स्टाइल्स होते हैं, आप जैसे फ्रेम होता है, लाइंस होती हैं, इसी तरह के पेज बॉर्डर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आर्ट वाले। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आर्ट वाले आप कैसे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अच्छे और डिफरेंट जो है आर्ट वाले पेज बॉर्डर्स यहाँ पर शो हो गए हैं। मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करूँगा। आप जो पेज बॉर्डर्स जो है ना, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये असाइनमेंट है, या फिर एक होते हैं कि आपके ऑफिस के जो है फाइल्स होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसके लिए आप ऐसे ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर्स वगैरह फ्रंट पेज के लिए। से फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया है इसको। अब मैं इसकी जो है विड्थ थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। विड्थ मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि स्क्रीन पर जो है ना आपको सही तरह से शो हो जाए। मैंने ये 20 पर रखी है और इसको मैं दिस सेक्शन ओनली कर रहा हूँ। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पेज नंबर 2 पर ये जो है एक डिफरेंट पेज बॉर्डर लग चुका है। अब इसी तरह से हम एक और पेज पर ट्राई करते हैं। इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज को हम क्लिक करते हैं। अब इस पेज पर हम लगा देते हैं एक दूसरा या फिर एक दूसरी डिज़ाइन का पेज बॉर्डर। 8 में से मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ थोड़ा, 20 पर कर देता हूँ और अप्लाई टू दिस सेक्शन, फिर ओके कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पेज पर जो है एक डिफरेंट बॉर्डर आ चुका है। अब हम इस पेज का कलर कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ दिस पेज। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक डिफरेंट पेजेस पे हम प्रिंट उसकी निकालते हैं। तो एक तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आपके पास एक तो कलर प्रिंटर होना चाहिए और अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो आपको पेज का जो है पेजेस जो है वो लाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्रीन पेज पर प्रिंट निकालना है तो आप ग्रीन पेज ही लेकर आएंगे मार्केट से। मैं इस पेज का कलर जो है चेंज करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और देन जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पेज कलर का, मैं उसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक कलर जो है चूज़ करूँगा अपने पेज के लिए। जिस पेज पर मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका ये कलर सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह से आप जो है पेज बॉर्डर्स वगैरह जो है ये ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से आप पेज कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एक और कलर दिखाता हूँ आपको, देखकर ये देखिए आप येलो कलर आप दे सकते हैं इसको। इट मीन्स कि जितने भी कलर्स हैं ना आप इन पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।